और बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में सभी अपार्टमेंट, होटल और रेस्टोरेंट परिसर को अलग अलग करके कचरा देना होगा। इसके लिए नगर निगम ने वल्क वेस्ट जनरेट ऐप भी तैयार कर लिया है, जिसकी लॉन्चिंग बुधवार को मेयर सुनील उनियाल गामा ने की है। वहीं लॉन्चिंग के दौरान व्यापारियों से ऐप के बारे में सुझाव भी मांगे गए हैं और नगर आयुक्त ने कहा कि सभी बल्क वेस्ट जनरेट को कूड़ा अलग अलग देना होगा। इसके लिए नगर निगम ने एक FDR भी तैयार किया है। शहर में जितने भी बल्क जनरेट हैं उन्हें इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसी के आधार पर ही शुल्क लिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बल्क वेस्ट जनरेटर का एक ऐप लॉन्च किया है नगर निगम ने, जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इसमें हम लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फ्यूचर में अन्य जो कैटेगरीज जैसे मॉल्स हो गए या वेडिंग हॉल्स हो गए, इन सबको भी ऑनबोर्डिंग करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग कूड़े को प्रतिक्रमण करते हुए, सेग्रीगेशन करते हुए जो है कलेक्ट करेंगे। और भविष्य में जब एक बार प्रणाली स्थापित हो जाएगी तो भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर है कूड़ा उनके यहाँ पे ही डिस्पोज या कंपोस्टिंग होने की व्यवस्था हो जाए।